ओके शेयर कर दीजिए ग्रुप में बच्चों से। मुकेश जी चार्जर है वैसे ठीक ऑन है ठीक। गुड इवनिंग एवरीवन, परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है झारखंड पीसीएस का एग्जाम कल जो है हो चुका है। कल हम लोगों ने GS1 का क्वेश्चन आंसर जो देखा था उसके आंसर की हमने बात की थी। आज हम लोग GS2 जो झारखंड स्पेशल है पेपर 2 उसके आंसर की को देखेंगे हम लोग ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं ये बता दूं ये जो सेट आपके सामने दिख रहा है ये सेट जो है मुकेश जी एक मिनट इधर आइएगा, ये सेट आपका सी है। कौन सा सेट है? सेट सी है। चैट ला दीजिएगा, ये सेट सी है ठीक है। तो अगर आपके पास सेट सी है तो आप सेट सी से मिला सकते हैं। अगर आप सेट सी है तो जैसे मैं आंसर बताता जाऊंगा आप उसको मैच करते जाएंगे। अगर सेट सी नहीं है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं ये सेट सी है, मैं बता रहा हूँ सेट सी है, बाकी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेट सी का उसमें संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 ठीक है के तहत पेनल्टी का जो प्रावधान है वो किस सेक्शन में है। इंग्लिश में मैं बता दूं संथाल परगना जो पेनल्टी जो है टेनेंसी एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ पेनल्टीज मेंशन अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 उसमें बता रहा है कि पेनल्टी का जो प्रोविजन है, सजा का जो प्रावधान है, दंड का प्रावधान वो किस सेक्शन में है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्शन 67 धारा 67 ठीक है ना। ये सेक्शन है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में जो पेनल्टी का प्रोविजन है वो है आपका इसमें सेक्शन 67 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये जो है आपका धारा 23 बी है आपका। 2 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा सेक्शन, सॉरी यहाँ पे जो है बी नहीं है यहाँ पे धारा ए। यहाँ पे एक मिनट इसको करेक्ट कर लेंगे। जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर में एक ही को इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, हिंदी इधर लगा हुआ देख लेंगे आप लोग। अंडर विच सेक्शन ऑफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 द प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड इज मेंशन, ये किसमें है, सेक्शन 23 में है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 23 में है। आपका आंसर क्या होगा, 2 का ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, विच डिस्ट्रिक्ट हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया टू इट्स टोटल एरिया। झारखंड में 24 जिले हैं उसमें पूछ रहा है कि किस जिले में इसके टोटल एरिया के अनुपात में सबसे कम फॉरेस्ट है। तो इस यहाँ पे आप देखेंगे जामतारा झारखंड का एक जिला है, सी है इसका आंसर जामतारा। 3 का आंसर क्या है, जामतारा, जहाँ पे कम परसेंटेज है, सबसे कम परसेंटेज है फॉरेस्ट का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जामतारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये कुल जनसंख्या के मामले पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है। आप लोग देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना इसको वीडियो को ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हो। ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो अगर आप देखोगे तो झारखंड की जो राजधानी है क्या है, रांची, रांची की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 4 का ए हो जाएगा ठीक है ना। यहाँ पे तो आंसर क्या होगा आपका, 4 का ए, सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है, झारखंड की राजधानी रांची में है। ये मेंस टेस्ट सीरीज है परम आईएएस का शौर्य 2.0 जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें 70वीं बीपीएससी के लिए, जो परम आईएएस है वो मेंस का बैच लेके, नया बैच लेके आ रहा है जिसको शौर्य 2.0 नाम दिया गया है। इस बैच के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर पता कर सकते हैं। ये जो बैच है आपका ये टेस्ट सीरीज बैच है, 70वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज की है, इसमें क्लासेस नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज होंगे आपको। इसमें टोटल 16 टेस्ट है जिसमें 12 जो है सेक्शनल है और 4 जो है ठीक है वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, फुल टेस्ट है। तो इसमें जो है देख रहे हैं आप हर सेक्शंस के 2-2 टेस्ट हैं, जो 6 सेक्शन के 12 टेस्ट हो गए और बाकी जो 4 टेस्ट है वो फुल टेस्ट है। सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी ठीक है, DI, IR, करेंट अफेयर्स, साइंस टेक, ये सब मिला करके है, टोटल 12 और 4 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके इस नए बैच के बारे में, सॉरी 2.0 के मेंस बैच जो 70वीं बीपीएससी के लिए लॉन्च किया जा रहा है उसके बारे में आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके बारे में आप बता दूँ ये जो बैच है ये होली के ऑफर पे 20% जो भी फी है टोटल उसमें 20% का ऑफ है इस बैच में, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मैं बता दूं जेपीएससी का जो मेंस का बैच लॉन्च होने वाला है यहाँ पे परम आईएएस,
झारखंड पीसीएस में अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो परम आयुष जो है झारखंड पीसीएस के मेंस का बैच लॉन्च करने वाला है। इसके लिए भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कब से लॉन्च हो रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। मेंस बैच ये एक्सक्लूसिव झारखंड पीसीएस मेंस के लिए है, ये इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और ये पीडीएफ मैं शेयर करवा दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सेट सी का, झारखंड पीसीएस का जो जीएस 2 का पेपर है झारखंड स्पेशल, उसमें हम सेट सी का बात कर रहे हैं, जो सेट है वो सी है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे कि विच डिस्ट्रिक्ट इनकॉम्पेंसेस द लार्जेस्ट एरिया इन झारखंड एट प्रेजेंट, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है, क्या सबसे ज्यादा एरिया किसका है। तो यहाँ पे आप देखोगे वेस्ट सिंहभूम, आंसर क्या हो जाएगा 5 का डी, जो पश्चिमी सिंहभूम है वो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 6, विच वैरायटी ऑफ लैक या सेलैक कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन झारखंड। अब यह पूछा झारखंड के किस उत्पादन ना के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड सबसे ज्यादा, लाह या लाख, इसको लाह या लाख कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं लैक या सेलैक, ठीक है ना। तो ये पूछा सा कौन सा है, तो ये जो वैरायटी है वो है कातकी। आपका आंसर 6 का क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। 6 का आंसर क्या है, ए है, कातकी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7, इन विच डिवीजन ऑफ झारखंड, यहाँ पूछा कि झारखंड के किस डिवीजन में या परमंडल में, 5 परमंडल है उसमें पूछ रहा है कि किस परमंडल में जो है हैंडलूम कॉपरेटिव सोसाइटी, हस्तकरघा है ना यहाँ पे, हैंडलूम हस्तकरघा सहकारी समितियाँ सबसे ज्यादा झारखंड के किस डिवीजन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाल परगना, जो बिहार से लगता हुआ उत्तरी झारखंड का जो क्षेत्र है, जो भागलपुर से लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे संथाल परगना है, उसमें सबसे ज्यादा जो है कॉपरेटिव सोसाइटी जो है हैंडलूम कॉपरेटिव सोसाइटी सबसे ज्यादा है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग कि सिल्क की जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होती है कौन सी वैरायटी होती है झारखंड में, तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है झारखंड का। इसका आंसर 8 का सी हो जाएगा, तसर, जो तसर रेशम है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे कि इन विच ईयर वाज टाटा इंजीनियरिंग, ये जो टेलको है टाटा इंजीनियरिंग, ठीक है ना, एंड लोकोमोटिव कंपनी इस्टेब्लिश इन जमशेदपुर, किस साल में जो है टेलको की स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। तो ये जो है 1949 में, आपका 9 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वो 1945 में, ठीक है, 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। बुद्धा है ना, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस नदी के किनारे लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो है डी है, बूढ़ा नदी है, बूढ़ा नदी के पे जो है ये वाटरफॉल लोकेटेड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग कि विच पॉइंट या प्लेस इज द हाइएस्ट इन झारखंड अमंग द फॉलोइंग, झारखंड का जो सबसे बड़ा जो पिक है वो कौन सा पॉइंट है, पिक पॉइंट कौन सा है। तो ये नेतरहाट है, आपका 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, पीक नहीं पूछा, अगर पीक का बात होता तो वो पारसनाथ होता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट पूछ रहा है, तो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है झारखंड का वो कौन सा है, वो नेतरहाट। 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 12 देखेंगे हम लोग, विच टाइप ऑफ आयरन इज फाउंड नियर डाल्टनगंज, झारखंड में डाल्टनगंज में जो आयरन का जो टाइप्स है कौन सा है, वो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है आपको पता आयरन के 3 तरह के होते हैं, हेमाटाइट मैग्नेटाइट है ना, तो उसमें जो है आपका कौन सा ये मैग्नेटाइट है, ठीक है ना। तो अब 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द एम्स ऑफ झारखंड रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी 2008, ये झारखंड पुनर्वास, ठीक है, और पुनर्स्थापना नीति है, उसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके द एम्स ऑफ, उद्देश्य क्या है, झारखंड रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट पॉलिसी 2008 का उद्देश्य क्या है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसके सारे उद्देश्य हैं। पहला देखो, केवल परियोजना के उद्देश्य, भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई जमीन हम किसी से ले रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट जो है कम से कम हम ले जमीन, किसी की जमीन जो है लेनी है कम से कम लें, क्योंकि आपको पता है झारखंड में लैंड एक्विजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है, वो ट्राइबल स्टेट से ट्राइबल की जमीन होती है। दूसरा है आपका, जहां तक संभव हो बंजर भूमि कम उर्वरा शक्ति वाली, मतलब ऐसी जमीन का जो है एक्विजिशन होना चाहिए जो बंजर हो, कम फर्टाइल हो, उसमें खेती बाड़ी ना होती हो, ठीक है। तीसरा है आपका जाकर के एज फार एज पॉसिबल लैंड्स ऑफ एससी एंड एसटी ग्रुप्स, ठीक है, इन लोगों की जमीन जो है अवॉइड करनी चाहिए ऐसी जमीनों को अधिग्रहण से, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आंसर सही है इसमें, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 14 देखेंगे, एज पर द झारखंड रिहैबिलिटेशन, सेम उसी से क्वेश्चन पूछा है, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी फॉर रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक स्टेट लेवल जो है निगरानी कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी स्टेट लेवल पे, जिनके लिए नीति लागू होती है। इस समिति की अध्यक्षता या इसको जो है चेयर कौन करेंगे, तो इसका चेयर करेंगे वो होंगे सीएम, होंगे चीफ मिनिस्टर जो होंगे झारखंड के, वो इसको चेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एज पर द झारखंड रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट, 3 क्वेश्चन उसी से है डायरेक्ट, 2008 फैमिली इंक्लूड्स, इस नीति के तहत
जो परिवार की परिभाषा, उसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, तो आप जो बंदा है हीज और हर स्पाउस, मतलब मैं हूँ, अगर मैं हूँ इस नीति के अंतर्गत मुझे देखा जाए, या तो मैं आऊँगा और मेरी पत्नी आएंगी, ठीक है, हीज और हर अनमैरिड सन, मेरा अगर कोई बच्चा है जो शादीशुदा नहीं है वो भी फैमिली में इंक्लूड होगा, ठीक है, और बेटा या बेटी जो अनमैरिड हो वो भी इसमें इंक्लूड होगी, और अनमैरिड ब्रदर्स, अगर मेरा कोई भाई और बहन है जो अनमैरिड है वो भी फैमिली में इंक्लूड होगी। तो ये सारा सही है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, झारखंड इंडस्ट्रीज रिहाइटेशन स्कीम 2003, झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 क्या पुनर्द्वार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है? ये जो योजना है 2003 की, वो सभी मामलों पर, जो की, ठीक है ना, इसमें जो है आपका ए बी दोनों है, क्लोज यूनिट एंड सिक यूनिट्स जो बंद हो चुकी है या जो बीमार औद्योगिक इकाइयां हैं वो भी है, और वीक यूनिट्स जो कमजोर हैं, तो बोथ ए एंड बी जो है 16 का सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 प्रपोज टू सेट अप ए मेगा हैंडलूम क्लस्टर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू 25,000 वेफर्स वाई 2 टन। इसमें देखिए आप, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में इसको जो है किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झारखंड के गोड्डा में है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ जीएसडीपी फॉर कॉन्स्टेंट प्राइस 2011-12 के हिसाब से, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट दर पे, कॉन्स्टेंट आपको पता है कौन सा होता है, करेंट तो होता है जो चालू पे होता है, और एक होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, तो कॉन्स्टेंट प्राइस 2011-12 से एज पर बजट ऑफ झारखंड 5-ईयर प्लान, ठीक है, 2022-23 में कितना है, अगर देखें जीएसडीपी ना, ग्रॉस स्टेज डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं, कितना है झारखंड का, 401,997 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज में, तो आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। 19 देखेंगे, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो गोमिया स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना, ठीक है, कि किस वर्ष की गई थी, इसे पूछ रहा है गोमिया में जो विस्फोटक फैक्ट्री है उसकी एस्टैब्लिशमेंट किस वर्ष की गई थी, तो 1954 में। 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1954 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। 20 नंबर देखेंगे, बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड इज लोकेटेड, बर्नपुर सीमेंट जो है उद्योग है वो झारखंड के किस शहर में है, तो आप देखोगे इसका आंसर जो है 20 का वो सी है, पतरातू, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, पतरातू। 21 का, विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड का जो सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पे है, वो झरिया में है, झरिया कहाँ पे है, धनबाद में, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, झरिया धनबाद का एक शहर है, ठीक है, वहाँ पे है ये सबसे बड़ा जो है कोल फील्ड है झारखंड का, झरिया धनबाद में पड़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी, भारत का पहला जो एल्यूमिनियम जो उद्योग है, ठीक, संयंत्र जो है वो किस जगह पे है, तो ये मूड़ी में है। 22 का आंसर क्या होगा, सी, और मूड़ी झारखंड के रांची में, रांची से कुछ किलोमीटर 20-22 किलोमीटर दूर है मूड़ी, आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे हम लोग, कुंडरकोचा गोल्ड माइंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में कुंडरकोचा सोने का जो खदान है वो झारखंड के किस जिले में है, तो आपको यहाँ पे आंसर देख रहे हैं आप, सिंहभूम में, सिंहभूम के नाम से झारखंड में दो जिले हैं, वेस्ट और ईस्ट, तो ये खदान जो है वो ईस्ट में है, पूर्वी सिंहभूम में है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, व्हेन वाज सोना सोवरेन धोती साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्टार्टेड इन झारखंड, सोना सोवरेन धोती, ठीक है, वितरण योजना झारखंड में किस साल लागू हुई, तो ये जो अक्टूबर 2020 में, 24 का आंसर क्या होगा, बी होगा आपका, अक्टूबर 2020 में। इसका पीडीएफ मैं शेयर करवा दूंगा आप लोग, आप इसे मिला लो, ठीक है, जितना स्कोर होता है आप इवेल्युएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, बिरसा मुंडा बागवानी प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच प्रोडक्ट, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना जो है वो किस उत्पाद से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई आपके 25 का सी, आम के उत्पादन से जुड़ी हुई है, तो बिरसा मुंडा बागवानी स्कीम जो है वो स्पेसिफिक मैंगो से जुड़ी हुई है, फ्रूट से जुड़ी हुई है, सी हो जाएगा आपका आंसर 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर, यहाँ पे हिंदी में है, जिनका हिंदी मीडियम है वो इधर देखते रहेंगे और आंसर मिलाते रहेंगे, ठीक है ना, तो झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार प्रोजेक्ट योजना फंडेड बाय, जो झारखंड का प्रोजेक्ट है जोहार, जिसको कहते हैं झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ये योजना जो है किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो उसको फाइनेंस करती है वो संस्था है वर्ल्ड बैंक, 26 का आंसर क्या होगा, सी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग, 4 डिफरेंट स्कीम्स एट द लोकल विलेज लेवल डेवलपमेंट, दैट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, दूसरा है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये भी जो है, तीसरा है सीएम सम्राट ग्राम पंचायत योजना एंड एमएलए आदर्श ग्राम योजना, ये सब जो है इंटीग्रेटेड अंडर है, किसके अंतर्गत आती है, झारखंड इंटीग्रेटेड आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आती है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग अबू आवास योजना, अबुआ आवास योजना, ये अबुआ आवास योजना के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और सही आंसर चूज करें, ठीक है ना, तो इसमें आप देखोगे इट हैज बीन स्टार्टेड ऑन 15th अगस्त 23, ये क्या है, गलत है, यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला आपका रॉन्ग है,
ये क्या आपका गलत है, ठीक है। और दूसरा है देयर इज ए प्रोविजन टू प्रोवाइड हाउसिंग टू दोज बेनिफिशरी, ठीक है, सॉरी नोट करेक्ट, ये सही है, ये गलत है, यहाँ पे गलत हो गया, ये सही है, ठीक है, ये क्या है, सही है। दूसरा है देयर इज ए प्रोविजन टू प्रोवाइड हाउसिंग टू दोज बेनिफिशरी हु हैव गॉट हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो है गलत है, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले इसमें नहीं आते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 28 का बी हो जाएगा, बी जो है नॉट करेक्ट है, इसको सही कर लेंगे आप लोग, जो 28 का आंसर होगा वो बी होगा, ओनली टू, ये ओनली टू जो है मतलब ये दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 का बी हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री जन वन योजना, मुख्यमंत्री जन वन योजना का कौन सा निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है इसको देखेंगे हम लोग, ये इसका है इंक्रीज द ग्रीनरी एरिया ऑफ द स्टेट टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, ये बिल्कुल है। ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन थ्रू द प्लांटेशन, ये भी है कि भूमिगत जल को मेंटेन रखना है। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स थ्रू प्लांटेशन ऑफ देयर लैंड, किसानों को जो है उनकी आय को बढ़ाना उनकी जमीन पे, ठीक है, ये तीनों इसका है। लेकिन प्लांटेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क वाला जो इसका स्कीम नहीं है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन नहीं है इसका हिस्सा, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेरी डेंस, बहुत सघन, वेरी डेंस मतलब अति सघन के बारे में पूछा है कि झारखंड किस जिले में जो है लार्जेस्ट एरिया जो है डेंस फॉरेस्ट का है, तो इसका जो आंसर होगा 30 का सी हो जाएगा, झारखंड का जो लातेहर जिला है वहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है घना वन मिलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, अब देखिए ये 2021 का पूछ लिया है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का, तो झारखंड का पूछा है, इंडिया स्टेट है ना फॉरेस्ट सर्वे इंडेक्स है ना उसके बारे में पूछा है, रिपोर्ट पूछ लिया, व्हाट इज द फॉरेस्ट कवर एरिया इन झारखंड, झारखंड में टोटल जो है एरिया कितना फॉरेस्ट के अंतर्गत, तो इसका आंसर होगा आपका बी हो जाएगा 23,721 स्क्वायर किलोमीटर, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर क्या है बी है आपका। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 32, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वो बात कर रहा है प्रोटेक्ट है ना इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट है ना, जंगल जो है वन है और वन जीव के संरक्षण की बात करता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है, वो आर्टिकल 48A है, तो आंसर 32 का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, 32 का आंसर क्या है यहाँ पे ए है। 33 देखेंगे हम लोग, बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, ठीक है ना, स्प्रेड ओवर कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपका 226 स्क्वायर किलोमीटर में, ये सब बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, तो आपका 32 का 3 का आंसर क्या हो जाएगा 226 स्क्वायर किलोमीटर, तो आपका आंसर क्या होगा 33 का बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द फास्ट डिवाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स इन, झारखंड में गिद्धों की जनसंख्या कम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, झारखंड हो बिहार हो या इंडिया के किसी भी हिस्से में हो, अगर ये क्वेश्चन पूछता है गिद्धों की जनसंख्या क्यों कम हो रही है, तो आपका आंसर बिल्कुल होगा रैम्पेंट यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना, लाइव स्टॉक्स में यहाँ पे है कि पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग होने की वजह से गिद्धों की संख्या कम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि उसी वो पशु जब मर जाता है जिसमें हम दवा यूज करते हैं उसके गोश्त मांस को खाने के बाद गिद्ध जब उसके मांस को खाता है तो वो जो है केमिकल एक्यूमुलेशन उसके बॉडी में हो जाता है उस गिद्ध के, और जिससे जो है उसकी बॉडी खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, वो गिद्ध मर जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 34 का ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35, दामोदर रिवर हैज बिकम बायोलॉजिकल, ये पूछा है दामोदर नदी जो है जैविक मरुस्थल बन चुका है बिटवीन है ना ग्रीडी एंड दुर्गापुर बिकॉज, ठीक है ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन दिस वाटर, इसको जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल जो है डिजर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इसका आंसर क्या होगा 35 का बी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ झारखंड वॉज द फर्स्ट एरोबिक बायो टॉयलेट इनॉग्रेटेड इन 2018, झारखंड के किस जो है जिले में, ठीक है, बायोटिक टॉयलेट जो है एरोबिक बायोटिक, एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन को उस टॉयलेट में ऑक्सीजन के जरिए जो है उसको ये किया जाता है डिकम्पोज किया जाता है, तो सबसे पहले कहाँ राज्य की राजधानी झारखंड की राजधानी जो है रांची, 36 का आंसर ए हो जाएगा कि सबसे पहले यहीं पर जो है बायोलॉजिकल टॉयलेट जो है स्टार्ट हुआ था लॉन्च किया गया था। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर डैमेजिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ झारखंड, इसमें पूछा है झारखंड के, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी को कौन सा चीज़ जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, तो ये रेकलेस अर्बनाइजेशन जो है, यहाँ पे देखो अंधाधुंध शहरीकरण,
अनप्लांड एंड अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियल, ऐसा औद्योगिकरण जो हो रहा है बिना किसी प्लान के हो रहा है और अनियंत्रित तरीके से हो रहा है। ये भी है इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग द फॉरेस्ट, जनसंख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से हमें वहाँ पे जो है वनों को काटना पड़ा, फॉरेस्ट को काटना पड़ा, ये सब जो है क्या वजह बनती है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाने की रीजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का डी हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखेंगे, व्हाट इज द मीन बाय प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में पूछा है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा, प्रोविजंस ऑन ऑल एक्टिविटीज विच आर नॉट परमिटेड, है ना। यहाँ पे जो हिंदी में आप देखेंगे उन सभी गतिविधियों पर जिनकी अनुमति नहीं है, मतलब उसमें कुछ चीज़ों पर अनुमति मिलती है कुछ पे नहीं मिलती है, तो जिसकी अनुमति नहीं है उसको जो है पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। तो 38 का आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, कुछ जगहों पे आपने देखा होगा प्रोविजन ऑन ऑल एक्टिविटीज, उसका आंसर ये नहीं होगा, 38 का आंसर सी होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक, जो जलीय जीव है उसके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे पता चलता है कि उस जल में जो है प्रदूषण हो गया, मतलब कहने का मतलब है किसी वाटर में पानी में प्रदूषण का लेवल क्या है उससे पता चलेगा, उसमें ऑक्सीजन बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बीओडी कहते हैं, अगर उसका जो है परसेंटेज घटने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ पे जो पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पे आंसर क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, बीओडी कम हो जाता है वहाँ पे, ऑक्सीजन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मच इंसेंटिव अमाउंट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एनी बेनिफिशियरी हु प्लांट्स ट्री ऑन हिज प्राइवेट लैंड अंडर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। इसमें भी डॉट है, मुझे ए और सी में डॉट है, ठीक है, तो आप इसमें देख लेना, अभी मैं ए को लेकर चल रहा हूँ। उसमें यह 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द अप्रूव्ड रेट फॉर दिस स्कीम, इसके तहत जो 50% जो है टोटल कॉस्ट का 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 40 का ए हो जाएगा। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ और आंसर है आपके पास ऑथेंटिक है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, इसमें मैं ए ही मान रहा हूँ अभी, ठीक है, सी भी लगता है डॉट है मुझे, 50-75 के बीच थोड़ी कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल, है ना, इंस्टीट्यूटिव इंस्ट्रक्टिव वर्क, है ना, रिगार्डिंग फ्लड डिजास्टर इन झारखंड, निम्नलिखित कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में, ये कह रहा है कि झारखंड में जो बाढ़ आती है डिजास्टर आता है फ्लड के फॉर्म में उसको कौन सी तकनीकी संस्था जो है उसकी सूचनाएं उपलब्ध कराती है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का आंसर क्या होगा सी होगा आपको, क्या है इसका आंसर सी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स का निम्नलिखित में कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना, आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें जो है रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है 42 का आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ये उसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थक्वेक सेंसिटिविटी द इंटायर स्टेज ऑफ झारखंड कैन बी पुट इन विच सिस्मिक जोन, झारखंड में जो है कौन से पूरे झारखंड को जो है किस सिस्मिक जोन में रखा जा सकता है, तो जोन सेकेंड और थर्ड, 43 का आंसर क्या होगा आपका डी होगा, 43 का जोन सेकेंड और थर्ड, पूरे झारखंड को इसी के अंतर्गत रखते हैं सिस्मिक जोन में। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्टेड झारखंड, 2021 में जो कोस्टल ईस्टर्न कोस्ट में जो साइक्लोन आया था उसके बारे में पूछा है उसका नाम क्या था, तो इसका आंसर 44 का क्या होगा सी होगा, यास, इसका नाम था यास। 45 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित जिला कौन सा है, तो इसका आंसर आपका 45 का क्या है डी है, पलामू, सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित जिला कौन है पलामू है। व्हाट इज कॉल्ड धूबिया झारखंड, ठीक है ना, धूबिया झारखंड में धूबिया टर्म्स किसके लिए यूज करते हैं, तो डांस, वहां पे एक तरह का डांस है, क्या नाम है उस डांस का, धूबिया नाम है उस झारखंड। 48 का आंसर, 46 का आंसर क्या होगा आपका ए होगा। 47 देखेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वॉज द मेन सेंटर ऑफ बिरसा मूवमेंट, जो बिरसा मूवमेंट हुआ था 1899 में, तो झारखंड का कौन सा जिला इसका मेन सेंटर था, तो ये खूंटी, आपका आंसर क्या होगा 47 का ए होगा, खूंटी, खूंटी जो है मुख्य केंद्र था बिरसा मूवमेंट का। 48 आएंगे, ऑन विच रिवर ऑफ झारखंड इज तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तिलैया जो है जल विद्युत परियोजना झारखंड में जो है किस नदी के ऊपर है, तो इसका आंसर 48 का डी है, बराकर नदी के ऊपर जो तिलैया, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर जो है 48 का डी है, कोई गलत नहीं किया होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिवर्स फ्लोइंग इन झारखंड एंड देयर प्लेस इन ओरिजिन, यहाँ पे कुछ नदी का पेयर दिया हुआ, पूछ रहा है कि कौन सी जगह से जो है मैच करना है, कौन सी नदी, ये कौन सा है स्वर्णरेखा नदी, ये चुआ, चुआ एक जगह है, कहाँ पे चुआ, यहाँ पे एक जगह है झारखंड में जहाँ से स्वर्णरेखा नदी होती है, तो इसका मैचिंग क्या है तिकरा, है ना, तिकरा टोली दिया हुआ, तो ये गलत है, तिकरा टोली नहीं बल्कि चुआ है उस जगह का नाम जहाँ पे स्वर्णरेखा नदी निकलती है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर आपका 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर देखेंगे, इन विच ईयर डिड जतरा ताना भगत स्टार्ट द शुद्धि मूवमेंट। ठीक है ना, जतरा ताना जो है शुद्धि मूवमेंट कहाँ स्टार्ट किया था, साल के बारे में पूछ रहा, तो ये आपका 1914 में। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। 1914 में शुद्धि मूवमेंट जतरा भगत ने शुरू किया था झारखंड में, तो आंसर है आपका 1914। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, डॉक्टर जन्म सिंह सोय हैज़ बीन अवार्डेड पद्मश्री 2023 में जन्म सिंह सोय को किस क्षेत्र में जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो इसका आंसर आपका एजुकेशन एंड लिटरेचर, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। 51 का आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। 52 देखेंगे, झारखंड मुख्यमंत्री है ना सारथी योजना ऑपरेटेड इन द स्टेट ऑफ विच, वे पूछा झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है जो ऑपरेट किया गया है वो किससे रिलेटेड है, तो मुख्यमंत्री सिविल सर्विसेज की कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स, फ्री कोचिंग फॉर द स्टूडेंट। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा, कि बच्चों को मुफ्त में कोचिंग के लिए योजना लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, विच सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नागवंशी प्रशासन। ये नागवंशी जो एक डायनेस्टी थी प्राचीन काल में झारखंड में, उसके प्रशासन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, तो इसमें जो है पंचायत वाज है, द पंचायत वाज ए परमानेंट लोकल बॉडी इन द, ठीक है, भुइयारी पढ़ा, ये जो है गलत है इसका। 53 का आंसर क्या होगा, आपका डी, ये जो है सही नहीं है, बाकी तीनों जो है ए बी सी सही है इसके बारे में। 54 देखेंगे, करठा है ना, करहट्टा इज ए रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, करठा जो है झारखंड में किससे रिलेटेड है, किस टाइप से, नागवंशी से, परथा पंचायत से, तो ये ढोकलो सोहर से रिलेटेड है, तो आपका 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, करठा जो है उससे रिलेटेड है ढोकलो सोहर। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज महत्व रिलेटेड इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन, मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में जो महत्व है उसकी भूमिका की थी, तो इसकी भूमिका ये थी, टू टेक केयर राइट्स ऑफ द है ना राइट्स एंड रिचुअल, ये जो इतने भी संस्कार होते थे, कर्मकांड होते थे, रीति रिवाजों की देखरेख करना, तो वो इसी के अंडर होते थे, किसके अंदर, महत्व के अंडर में होते थे। 55 का आंसर डी हो जाएगा आपका। 56 देखेंगे, हु इज द डिप्टी हेड, ठीक है ना, उप प्रधान मतलब डिप्टी हेड इन द मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन, मांझी परगना प्रशासन में, ये सब ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लोकल बॉडीज है ट्राइबल की, उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, तो पूछा डिप्टी हेड को क्या कहते थे, तो जोग मांझी कहते थे। क्वेश्चन मैंने करवाया था क्लास में, जब एमसीक्यूज करवाया था ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो 56 का आंसर क्या है, बी, जोग मांझी। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, हु इज द हेड ऑफ द विलेज इन ओरान प्रशासनिक सिस्टम, ओरान प्रशासनिक व्यवस्था में विलेज हेड को क्या कहते थे, तो उसको महतो कहते थे। 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का बी हो जाएगा आपका। 58 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मुंडा मानकी सिस्टम इज नॉट करेक्ट, मुंडा मानकी व्यवस्था में कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है, तो ये आपका ए, द पोस्ट ऑफ मुख्यमंत्री इज हेरिडेटरी, मानकी हेरिडेटरी बिल्कुल सही है। अब दूसरा आपका, इफ ए मानकी इज डिसमिस हिज सक्सेसर आर ऑल्सो डिप्राइव ऑफ देयर राइट्स, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब उसका वही नहीं रहेगा तो उसको क्यों मिलेगा नीचे वाले को। मुंडा इज कंसिडर्ड द विलेज हेड वाइल द मानकी इज कंसिडर्ड हेड ऑफ द पीड, ये भी सही है, लेकिन द मानकी डज नॉट गेट एनी शेयर ऑफ द कलेक्टेड रिवेन्यू, ये स्टेटमेंट गलत है आपका, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 58 का डी हो जाएगा। 59 देखेंगे, नाया वाज द नेम ऑफ द हेड ऑफ द विश ट्राइबल पंचायत, किस पंचायत में नाया जो है नाम था, बिरहोर पंचायत में जो है, बिरहोर ट्राइब में जो नाया था वो हेड को कहते थे, क्या कहते होते, विलेज हेड को कहते थे, तो बी का आपका 59 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 60 नंबर हम लोग देखेंगे, हु इज कंसिडर द विलेज हेड इन द पहाड़िया ट्राइबल सिस्टम, पहाड़िया ट्राइबल सिस्टम में विलेज हेड को क्या कहते थे, तो मांझी कहते थे। 60 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नागवंशी विच किंग है ट्रांसफर, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, आपको याद होगा, एमसीक्यूज अगर देखेंगे तो इस क्लास में एमसीक्यूज करवा रहा था, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि अकॉर्डिंग टू नागवंशी विच किंग है ट्रांसफर द है ना नागवंशा डायनेस्टी कैपिटल फ्रॉम श्वेतांबे टू चुटिया, तो इसका जो है प्रताप राय, निपति प्रताप राय, तो ऐसा 61 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 62 देखेंगे हम लोग, विच लीडर हैड लेड द 1855-56 होल इन हजारीबाग, होल का मतलब रिवोल्ट होता है झारखंड ट्राइबल लैंग्वेज में, तो ये कहाँ हुआ था, लुबिया मांझी एंड बराई मांझी, तो 62 का आंसर क्या है, डी है, इन्होंने जो है हजारीबाग में होल को लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, पहले प्रेसिडेंट कौन थे छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के, तो ये है बोनीफेसा लाकरा। 63 का आंसर क्या है आपका, बोनीफेस लाकरा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, रामजीत हंसदा, ठीक है, बुद्धहारी काकू एंड चंद्री टूडू वी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, किस आंदोलन से ये तीनों जुड़े हुए थे, तो संथाल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, संथाल हुल से, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, संथाल हुल। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, हु वाज द डिसीजन टेकन टू एस्टैब्लिश झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है, तो ये जो है 90 दिसंबर 1994 में लिया गया था, ये क्वेश्चन भी हमने कराया था, ये बिल्कुल ऐसे डिटो क्वेश्चन मैंने करवाया था। 65 का आंसर क्या है, डी, दिसंबर 1994 में ये लागू किया गया था।
गोप बंधु दास लीडर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन किस क्षेत्र से संबंधित थे सरायकेला खरसावां झारखंड का एक जिला है वहीं से रिलेटेड थे कौन गोप बंधु दास तो आपका 66 का आंसर क्या होगा बी सरायकेला खरसावां क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे इन विच ईयर वेयर द छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश ये कब इस्टेब्लिश हुआ है तो ये डी में 1994 में 67 का आंसर क्या डी 1994 में इस्टेब्लिश हुआ है क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे इन द ओरान ट्राइब फॉर हाउ मेनी जनरेशन आर मैरिज प्रोविटेड इन द मदर्स गोत्र एट द टाइम ऑफ चिल्ड्रेंस मैरिज अगर किसी बच्चे की उसी की किसी माँ के बच्चे की शादी हो रही है तो शादी के समय कितनी शादी के बाद कितने साल तक जो है उसके लिए पुनर्विवाह या कुछ जो है उसके यहाँ उसके गोत्र में शादी नहीं होगी 3 साल तक होता है तो 68 का आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा 3 ईयर्स 69 देखेंगे व्हाट वाज द यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले देख लें उसके सामने हिंदी क्वेश्चंस भी है तो ये मत सोचना कि सर मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ हिंदी में नहीं बता रहा हूँ ठीक है ना व्हाट वाज द पॉपुलर अटायर ऑफ मुंडा मूवमेंट मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान मुंडा महिलाएं जो है मुंडा ट्राइब्स में उसका जो प्रचलित परिधान है कपड़ा है वो कौन सा है उसको पड़िया बोलते हैं क्या बोलते हैं 69 का बी पड़िया 70 देखेंगे हु वाज द थर्ड गवर्नर ऑफ झारखंड राज्य बनने के बाद 2000 में बना 15 नवंबर 2000 को तो झारखंड बनने के बाद तीसरे गवर्नर जो है वो कौन रहे तो बी है बेद मारवा 70 के बी हो जाएंगे बेद मारवा क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे इन द बजट ऑफ 2022-23 झारखंड गवर्नमेंट स्पेंट 13.50% मनी झारखंड सरकार सबसे ज्यादा मनी जो है 22-23 में किस में खर्च कर रही है 13.54 वो शिक्षा के क्षेत्र में तो आपका 71 का आंसर क्या हो जाएगा सी एजुकेशन ठीक है 72 देखेंगे द फूड एंड गौदान ऑफ ठीक है कट्ठा ब्राह्मीन आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द रिचुअल्स कट्ठा ब्राह्मण का भोजन है वो गोदान किस संस्कार से जुड़ा हुआ है तो ये डेथ में जैसे तेरहवीं होती है ना हम लोगों में मरने के बाद तेरहवीं होती है तो उस संस्कार से जुड़ा हुआ है तो ये जो है डेथ से जुड़ा हुआ है ठीक है 72 का आंसर सी हो जाएगा डेथ क्वेश्चन नंबर 73 है हु रोट द बुक नेम खरिया लोक कथा का साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन ये बुक जो है किसने किससे जुड़ा हुआ है ये रोज करकेट्टा नव पुस्तक की रचना किसने की है रोज करकेट्टा ने की है ठीक है ना 73 का नाम आंसर हो जाएगा आपका ए रोज करकेट्टा इन्होंने लिखा है ये बुक 74 हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ सरहुल की एक फेस्टिवल होता है झारखंड का उस अवसर पे कौन सा डांस जो है किया जाता है वो डांस है 74 का बी जतरा क्या है जतरा सरहुल के अवसर पे जतरा डांस किया जाता है क्वेश्चन नंबर देखोगे 75 का वन ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग संग जनरली ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिजेस विवाह के अवसर पर झारखंड में कौन सा जो है गाने गाए जाते हैं तो वो है डोमकच कौन सा है फोक सॉन्ग है ये लोकगीत है डोमकच 75 का आंसर क्या बी होगा आपका आंसर 76 का होगा बेतला नेशनल पार्क इज रिजर्व फॉर बेतला नेशनल पार्क जो है किसके लिए रिजर्व है तो आपका आंसर होगा टाइगर्स क्या है 76 का बी टाइगर्स 77 देखेंगे ऑफ द ऑल द ट्राइब्स ऑफ झारखंड द हाइएस्ट पॉपुलेशन इज ऑफ द झारखंड के टोटल ट्राइब्स में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस ट्राइब्स की है तो मैंने आपके लिए इसके लिए बताया था मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को मैंने इसका कोड बताया था आप लोगों को सम है ना एस से संथाल यू से उनाव एम से मुंडा तो आ गया ना ये क्वेश्चन बिल्कुल आ गया देख रहे हो ये क्वेश्चन बिल्कुल आया है ये संथाल एस से संथाल जो कोड है एस यू एम सबसे ज्यादा संथालों की आबादी है फिर उनाव की जनजातियों में फिर मुंडा की है तो आपका आंसर 77 का क्या हो जाएगा 77 का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे हु वाज द फर्स्ट नोन पोएट ऑफ नागपुरी वहां की ट्राइबल लैंग्वेज है पूछ रहा है पहले कवि कौन है इस भाषा के तो इसके आंसर है रघुनाथ निरपति 78 का आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा रघुनाथ निरपति ठीक है क्वेश्चन नंबर 79 इन 1886 एडी भीम राम सोलंकी हैड पब्लिश ए ग्रामर बुक ठीक है उस बुक का नाम टाइटल क्या था तो हो काजी के नाम से 1886 में ठीक है भीम राम सोलंकी ने एक बुक पब्लिश की थी तो उसका नाम क्या है हो काजी 80 नंबर देखेंगे हु वाज द ऑथर ऑफ द नागवंशी ए बुक रिटेन इन नागपुरी इसके लेखक कौन है तो बेनी राम महत्ता ठीक है ना आपका 80 का आंसर क्या हो जाए 80 बेनी राम महत्ता आपका आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 81 जगरामी रामायण ये ट्राइबल कम्युनिटी के एक रामायण है जगरामी रामायण रिटन इन द 17वीं शताब्दी में लिखी हुई एक खूबसूरत बुक है वो किस लैंग्वेज में है तो ये कहा है कुरमाली में है एक ट्राइबल लैंग्वेज है कुरमाली उसी में लिखी गई है जगरामी रामायण और ये 17वीं शताब्दी की बुक है तो 81 का आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका 81 का आंसर आपका ए हो जाएगा 82 नंबर 82 नंबर व्हाट वॉज द नेम ऑफ द पोएट्री बुक रिटन इन खड़ी बोली में लिखी गई है बाय पंडित रामचीज सिंह बल्लभ ये जो है भाग्यचक इस बुक का नाम क्या है भाग्यचक तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 82 में बी हो जाएगा भाग्यचक्र नाम से आप अगला क्वेश्चन देखिए 83
बाय व्हाट नेम वाज सेंट कोलंबा कॉलेज, हजारीबाग में कॉलेज है सेंट कोलंबा, इनिशियली इसका नाम क्या था, इसका नाम था डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज इसका नाम था, ठीक है। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेत्रहाट, ठीक है मुकेश जी एक मिनट आइएगा। पेपर टू है ना ये, इसको लाइए तो आ गया, आ गया 84 हमने देखे, ये ऊपर क्यों जा रहा। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेत्रहाट रेसिडेंशियल स्कूल नेत्रहाट झारखंड, इसके बारे में पूछा कि कौन से कथन जो है, नहीं नीचे इसको नीचे लेके, इसमें जो है सही जो आंसर आपका, इसमें ओनली 1, 2 और 3, 4 जो है स्टेटमेंट दिया हुआ, इट इज इन गुमला डिस्ट्रिक्ट, ये नेत्रहाट में गुमला में नहीं है, ये गलत है, बाकी 1, 2 और 3 जो है क्या है सही है। तो आपका 84 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वॉज इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के बारे में पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, ISMA, ये कहाँ पे, धनबाद में है, ये पूछ रहा किस डेट को एस्टैब्लिश हुआ। अब आपको पता है ये IIT का दर्जा इसको मिल चुका है, IIT का दर्जा स्टेटस मिल चुका है, ये पूछ रहा किस डेट को एस्टैब्लिश हुआ, तो 9 दिसंबर 1926 में एस्टैब्लिश हुआ, तो आपका 85 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 9 दिसंबर 1926, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 86, इन विच टाउन और सिटी ऑफ झारखंड इज मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है झारखंड के किस जिले में है, ठीक है। तो ये बोकारो में एस्टैब्लिश है, तो स्टील सिटी में, 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी बोकारो स्टील सिटी में एस्टैब्लिश है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, नीरज कुमार मिश्रा इज ए प्लेयर इन विच स्पोर्ट इन झारखंड, नीरज कुमार मिश्रा झारखंड में एक बहुत प्रसिद्ध प्लेयर है, पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है, ये शतरंज से संबंधित है, तो चेस हो जाएगा आपका, 87 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 88 देखेंगे, जयपाल सिंह द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, ठीक है, इन ओलंपिक 1928 में ओलंपिक जो हुआ था उसमें झारखंड में जयपाल सिंह जो थे उन्होंने जो है कौन सा पदक जो जीता था, कप्तान भी थे उस समय, ये गोल्ड मेडल जीता था, तो आपका 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, द इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी में, इंडिया ने किस कंट्री को महिलाओं के जो गेम में हरा के जीता था, को तो पूछ रहा है कि हॉकी में जो जीता इंडिया ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी वो 2023 में हुआ था, तो वो पूछ रहा है किस कंट्री को हरा के, तो 89 का आंसर सी है, जापान को हरा के इंडिया ने वुमेन्स एशियन कप जीता था हॉकी में। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्री दीपक मंडल इज एसोसिएटेड विथ गेम, दीपक मंडल किस गेम से, खेल से संबंधित है, तो झारखंड के जो दीपक मंडल है वो फुटबॉल से संबंधित है, तो आपका आंसर 90 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फुटबॉल। 91 देखेंगे कि हाउ डू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशंस एक्ट अप्लाई टू ऑल सूट्स अपील्स एंड एप्लीकेशंस अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत कौन सा अप्लाई अप टू द एक्सटेंट विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, इसके अंतर्गत जो नहीं आते, तो आपका आंसर 91 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 92 आएंगे, वेयर शैल द अपील लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय डिप्टी कमिश्नर, आपको पता झारखंड में डीएम को डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, डीसी कहते हैं, जो पास किया गया डिप्टी कमिश्नर इन ए सूट बाय हिम अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 2 और क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कहाँ करें, जुडिशियल कमीशन और हाई कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द मॉनेटरी वैल्यू, उसका जो मौद्रिक वैल्यू है उस केस का, उस जमीन का, उसके तहत जो है जुडिशियल कमीशन और या हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो आपका जो 92 का आंसर है सी हो जाएगा, ठीक है, जुडिशियल कमीशन और हाई कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द मॉनेटरी वैल्यू। अगला क्वेश्चन 93 देखेंगे, एज पर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1909 टेन्योर मींस द इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर होल्डर एंड इंक्लूड्स एन अंडर टेन्योर बट डज नॉट इंक्लूड ए टेनेंसी ऑफ, आपका आंसर क्या होगा, अंडर रैयत, इसको क्या कहते हैं, अंडर 93 का आंसर है अंडर रैयत, ठीक है ना, इसको या हिंदी में कहते हैं दर रैयत, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए 94, वेदर द प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वुड बी एप्लीकेबल फॉर ट्रायल है ना बिफोर डिप्टी कमिश्नर इन ए मैटर ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, तो इसका आंसर है सी, द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड, स्टेट राज्य सरकार ये निर्णय करेगी कि वेयर प्रोसीजर इज नॉट मेंशन अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो 94 का आंसर क्या होगा, सी, द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड वेयर प्रोसीजर इज नॉट मेंशन अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे हम लोग, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 ए पर्सन इज सेटल्ड रैयत हु फॉर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर, इसका आंसर क्या होगा 95 का, 12 ईयर, ये 12 साल है,
ये क्वेश्चन भी हमने कहा है, ये क्वेश्चन भी हमने एमसीक्यूज में कराया है, ये आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो मैंने एमसीक्यूज करवाए थे उससे आए हैं। 95 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। 12 साल। 96 देखेंगे, अंडर द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट अथॉरिटी, द कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3%। तीन लोगों से मिलकर बनेगा ये, किससे बनेगा, 3%, तीन व्यक्तियों से बनेगा। तो आपका 96 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 96 का आंसर सी, तीन लोगों से मिलकर बनता है ये बॉडी। क्वेश्चन नंबर 97, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 द स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कम्युनिटी जो है एससी और एसटी उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए, तो किस सेक्शन में है, सेक्शन 41। आपका आंसर क्या होगा 97 का, डी सेक्शन 41। क्वेश्चन नंबर 98, अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 ए रैयत हैज राइट टू, ठीक है, रैयत हैज राइट टू, ये कहा गया कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपनी जमीन पर भवन बना सकता है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, सेक्शन 18 में है ये प्रावधान। तो 98 का आंसर क्या है, सेक्शन 18 में ही रैयत को अधिकार है कि वो अपनी जमीन पे घर बना सकता है, ठीक है, भवन बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है। व्हाट इज 99 देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैकेंट लैंड अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना, ठीक है, टेनेंसी एक्ट 1949 के तहत जो वैकेंट लैंड है वो क्या कहलाएगी, बोथ एंड बी अबैंडनड होल्डिंग और होल्डिंग वेयर रैयत हैज डाइड विदाउट, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, बिना उत्तराधिकारी के मर गया हो, और एबंडेंट है वो त्याग किया हुआ जमीन है, परित्यक्त जमीन है, तो ए और बी दोनों आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, डी बोथ ए एंड बी। और लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 100 100वां नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं हम लोग कि अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 ए पीस ऑफ ग्रेजिंग लैंड कैन बी यूज्ड एंड सेटल फॉर कल्टीवेशन। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्ती खेती हेतु किया जा सकता है, ये डिप्टी कमिश्नर जो डीसी है उसके परमिशन से किया जा सकता है, विद द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये आपका पेपर 2 का लगभग मैंने सारा आंसर दे दिया है। GS2 झारखंड PCS प्रीलिम्स एग्जाम जो 17 मार्च मतलब कल संडे के दिन हुआ था, उसके दोनों पेपर GS1 का कल दिया था, आज GS2 का हमने दे दिया है। इन दोनों से आप अपने आंसर्स मिला दें, जो स्कोर हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है, अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया कि पेपर क्या हुआ नहीं हुआ क्या होगा आगे, तो आप लोग मेंस की तैयारी करें आंसर मिला करके। अगर आपका स्कोर जो है ठीक ठाक हो रहा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मेरा मानना है कि मेंस की तैयारी पहले होती है, प्रीलिम्स की कम बाद में होती है। तो अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आप जो है बिना किसी दुविधा में रहे, बिना किसी डाउट के रहे, जो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और आपको पता है परम आईएएस जो है झारखंड PCS मेंस का एक बैच लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द, अगर आप लोग इंक्वायरी कर लेंगे इस पर जो नंबर दिया हुआ है, इसमें PDF में शेयर कर दूंगा उसमें नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो इंक्वायरी करके मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। बाइलिंगुअल बैच होगी और ये बैच जो है झारखंड के मेंस के लिए स्पेसिफिक जो है ये बैच लॉन्च की जाएगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर जो PDF में दिया हुआ है उस पर कॉल करके आप बैच के बारे में कि किस तारीख से लॉन्च हो रही है उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस का आंसर वैरी कर सके, वो फ्लैक्चुएट करता है कुछ क्वेश्चंस का, वो आप उसको डॉट में रख करके भी अपना स्कोर गेस कर सकते हैं कि कितना स्कोर हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग मेंस की तैयारी शुरू कर दें। कोई कन्फ्यूजन में ना रहे कि कब होगा एग्ज़ाम, कैंसिल होगा नहीं होगा, कैंसिल हो गया तो ठीक है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं अभी तो आपको जो है पीटी के बाद जो है मेंस की टेंशन नहीं होगी, कोई हेडेक नहीं होगा। तो आपको पता है कि प्रशासनिक सेवा के SDM की पोस्ट अच्छी खासी है, तो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। परम आईएएस इसके लिए आपको बहुत जल्द जो है बैच लॉन्च कर रहा है झारखंड PCS मेंस के लिए, ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं इसको PDF भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वहाँ से इसको देख लेंगे, ठीक है, और कुछ मिलाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप अपना आंसर जो है मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और जो स्कोर हो रहा है आपका उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और लास्ट में एक बात और कहूँगा कि आपने इतनी मेहनत की उसका पेपर का, गुड इवनिंग निशांत, और 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत है सर, ठीक है, 2-3 का तो वैरी करेगा, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है ना। और कौन सा क्वेश्चन है बता दो जय कुमार, कौन कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपके पास करेक्ट आंसर है तो बता देना। चलो आप ग्रुप में शेयर कर देना, जो JPSC का ग्रुप है ना परम आईएएस का, उसमें शेयर कर लेना, ठीक है, उसमें 2-3 क्वेश्चन का होगा तो कर लेना। मैंने एक दो को खुद सही किए हैं, जो आंसर था आपका जो कौन सा करेक्ट नहीं था वो वाला, ठीक है, जिसमें मैंने बी बताया है
उसको आप लोग मिला लेना, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए अच्छे से, और इतनी मेहनत की, पेपर कैसा हुआ नहीं हुआ, र्यूमर्स है बहुत सारे, उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। मैं तो आखिर में यही कहूँगा आप लोगों से कि वो प्रशासनिक निर्णय है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, आयोग निर्णय क्या लेती है, सरकार क्या लेती है, लेकिन आपका जो आपको चाहिए कि अपना स्कोर मिला के आप मेंस की तैयारी करें, ठीक है। एक एग्ज़ाम चला गया, दूसरा अगर आपको करना है तो आप मेंस की तैयारी करें और किसी दुविधा में नहीं रहें, कोई डायलेमा में रहें, ठीक है। आप बिना किसी को सोचे आप मेंस की तैयारी करें। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिए,